और फिर शंकर ही हो गए। तो आप अगर हम लोग उनके सामने प्रतिष्ठा करते हैं तो वो प्रतिष्ठापक हो जाते हैं, प्रतिष्ठित नहीं होते। इसीलिए शायद आज स्त्री ने हम लोगों की गति को धीमा रखा और अब वो स्वयं भगवान शिव के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हो। उसी समय उन्होंने एक प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर 10 दिन का समय हमको दीजिए। तो हमने कहा उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर और थोड़ा आयोजन करना चाहता हूँ। ठीक है, उद्देश्य क्या है, क्योंकि कई उद्देश्य तो होंगे। तो उन्होंने कहा मेरा उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोगों का कार्यक्रम बने, तो उसमें सपाद लक्षेश्वर धाम के जो 25,000 के करीब लोग तो जुड़ चुके हैं, 1,00,000 लोगों को भी जुड़ना है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि उसी कार्यक्रम में अगर ऐसा कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित होता है तो निश्चित रूप से हम भी चाहेंगे कि पूरा समय हम प्रदान करें और 1,00,000 लोग जो अभी तक जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको एक अवसर दे दिया जाएगा। ये अवसर जैसे ही उनको मिलता है जो सौभाग्यशाली होगा वो उसको स्वीकार करेगा, मौका नहीं खोएगा। और अगर किसी से भी काम नहीं बनता है तो सिर्फ दूसरे प्रदेशों से लोगों को हम आमंत्रित करना शुरू करेंगे। आप लोग देख लीजिए, हमारी ये इच्छा थी कि इसमें छत्तीसगढ़ के बाहर के वो लोग केवल आ सकें जितने गुरु परिवार से जुड़े हैं, उसके अलावा लोगों को जो नए लोग हैं उनको हम उनसे नहीं मतलब हम नहीं है हमारा भी जोड़े, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के लोग नहीं आएंगे तो स्वाभाविक है पूर्ति उसी दूसरी जगह से भी की जाएगी। तो ये कार्यक्रम अगर आप सब लोग कहें हैं तो हम आशीष शारदा जी को दे रहे हैं। थोड़ी देर लगती है ठीक है, ऐसे धीरे धीरे होता है लेकिन अपने को एक होना होगा। यही एक स्थान होगा पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ पर लोग अपने नैसर्गिक वैर को बुला करके एक हो जाएंगे। पति पत्नी झगड़ गए होंगे तो बार लक्षेश्वर धाम आएंगे, उसके बाद पूरा शुरू हो जाएगा। भाई भाई झगड़ गए होंगे तो बार लक्षेश्वर आकर के 1,00,000 प्रणाम करेंगे, पुनः उनके घर में सुमति बन जाएगी। इसी तरह से बाकी झगड़े भी खत्म होंगे। देख लेना, भगवान शिव जब यहाँ विराजमान हो जाते हैं तो वहां एक साथ नंदी और सिंह, भगवान शिव का उदाहरण नंदी और माता जी का वाहन सिंह, दोनों एक साथ रहते हैं कि नहीं। भगवान शिव जहाँ रहते हैं वहीं सर्प और चूहा एक साथ रह जाते हैं। गणेश जी का वाहन चूहा और भगवान के गले का सर्प रहते हैं कि नहीं रहते। इसका मतलब है भगवान शिव जहाँ विराजमान हो जाएंगे वहां विरुद्ध प्रकृति वाले लोग भी एक साथ आगे आ रहे हैं।